अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।
Allahu Akbar. जानू बेटा, तुमने चाय भी नहीं पी, ठंडी हो गई है सब। उठो बेटा, हमें दुकान भी खोलनी है। आ जाओ बेटा, दरवाजा खुला है। सलाम वालेकुम चाचा, हम हैं गुड़िया। बेटे जानू देखिए क्या? नहीं चाचा, पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। कहाँ क्या, गए होंगे मैच खेलने। उनके लिए बैट बॉल से बढ़कर कुछ है क्या? हम चचा एक बात पूछे, कहीं आप जानू को मारे थे क्या? बेटा तुम जल्दी से रोटी सब्जी बना दो, दुकान खोलनी है। ठीक है चचा। खाना पका दिए हैं चचा, खा के जाइएगा,
पता चला कि दुकान खोलने की जल्दी में बिना खाए चले गए। सुबह सुबह नमाज पढ़ा के आए हैं, थोड़ी सांस लीजिए, जब देखो दुकान खोलने की जल्दी। बेटा, नमाज पढ़ाना तो दीन का काम है और दुनिया में रहने के लिए पेट पालना भी जरूरी है। अब कोई के आगे हाथ तो नहीं फैला सकते, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। अब आपसे कौन जीत पाएगा? लेकिन चचा, सच में सब लोग कहते हैं कि मौली साहब जैसा मोमिन आदमी अपने मोहल्ले में तो क्या, पूरे बनारस में कोई नहीं होगा। की मर्जी है। नमस्कार मौलवी साहब। अरे बेटे इधर आओ, बात सुनो। अरे मेरे जानू को देखा तुमने? नहीं चचा। ये लो। अरे बेटे सुनो सुनो, जानू को देखा तुमने? नहीं चचा, हमने नहीं देखा। बेटा दिखे तो बुला लेना उसे। हाँ तो समझ गए ना बच्चों, सब लोग कल अपना होमवर्क जरूर करके आएंगे।
अरे मौली साहब आप। सलाम अलैकुम मां साहब। इधर कैसे आना हुआ? जानू स्कूल आए थे क्या? नहीं जानू तो स्कूल नहीं आया। घर ही नहीं आया। बच्चा है, जरा प्यार से समझाइएगा, समझ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मौली साहब। जानू आ जाएगा, आप परेशान मत होइए। अरे चचा आप अंधेरे में बैठे हैं, जानू कहाँ है? हम तो उनके दोस्तों से भी पूछे, सब कह रहे थे दिखाई नहीं। अगर वो आए ना तो आप डांटिएगा जरूर, हम खाना बना देते हैं। नहीं बेटा अभी दोपहर वाला ही बचा हुआ है। लेकिन चचा। नहीं, नहीं एकदम भूख नहीं है, जानू आ जाएंगे तभी खाएंगे। ठीक है चचा, तब हम जा रहे हैं, अभी घर का भी सब काम बचा हुआ है, जानू आए तो बता दीजिएगा। आज की रामलीला में हनुमान करेंगे लंका दहन और रावण का होगा सर्वनाश। आज की रामलीला। आज की रामलीला में हनुमान करेंगे लंका दहन और रावण का होगा सर्वनाश। श्री राम, तेरे राम को पहुंचा दूंगा बैकुंठ धाम। सीता तू मेरी बात मान, अपना हट छोड़ दे तू, बस तू एक बार मेरी संगिनी बन जा। उस वनवासी राम के पास आखिर क्या है? मत मारो पंडित जी भगा देंगे। ये रावण कमीना सीता मैया को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसको सबक न सिखाया जाए। मेरे प्रभु अवश्य आएंगे और उनके साथ तेरा विनाश भी आएगा। कौन मारा रे साला कमीना? पंडित जी अरे आग फोड़ दिया रे कमीनों ने, अरे मार दिया आग पे साला। अब हम रामलीला नहीं करेंगे भाई। अरे बाप रे मजाक चल रहा है यहाँ पे? तुम लोग ज्यादा बदमाशी करोगे तो बंद कर देंगे रामलीला। और गुले चलाने वाले ज्यादा गुले ना चलाएं, नहीं तो रामलीला से भगा दिए जाएंगे, समझे कि नहीं महाराज? ठीक है ना, करिए करिए। अरे कहाँ है वो वानर? हे भगवान, उधर रगड़वा बलबलाया हुआ है, इधर तुम तैयार नहीं हो। पंडित जी सुना, लगता है लंकापति से डर कर भाग गया। हुआ था नहीं आ रहा है। एक काम करो तुम अपना पैंट पहन लो, पहनो जल्दी लो। अरे देख नहीं रहे हो, देर होता जा रहा है। अरे कब तक चिल्लाएगा रोड़वा? पहनो जल्दी। हाँ पहनो। जल्दी उसे बंदी बनाकर लाओ सैनिकों। पंडित जी फंस गया।
लंका में घुसने का साहस कैसे किया बानर? काय बानर? बानर? लगता है वो बानर आपसे डर कर भाग गया महाराज, अब वो नहीं आएगा। अरे रुको भाई, अरे रुको, अरे ए जानू इधर आओ, आओ जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ जानू, सुनो भाई हमारी बात। हाँ आओ सुनो, हमारे साथ चलो। हम अरे हमारा कल्याण करो, नहीं तो ये सब साले हमारी जान खा जाएंगे। इतना रियाज किए हो तो अब मौका मिल गया, जल्दी बन जाओ, नहीं तो ये रावण सबकी माँ बहन एक कर देगा। कहाँ है वो वानर? जल्दी से उसे बंदी बनाओ सैनिकों। महाराज यही है वानर जिसने लंका में उत्पात मचा कर रखा है। लगा दो इस तुच्छ वानर की पूछ में आग, जाकर भस्म कर दो इसे। राम का नाम भी नहीं से ले, राम से मित्रता कर ले, वो दयावान है, तुझे क्षमा कर देंगे। लगा दो इस बंदर की पूछ में आग, आज इस बंदर का अंत होकर रहेगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अरे दौड़ो जानू, भागो, जला दो रावण की लंका को, जला दो। अरे जानू भागो। जानू ये क्या कर लिया? अम्मा, हाँ, क्या कर लिया ये? हाँ? कहाँ गया था? रामलीला देखने गया था, भूत बनने गया था? आग लगाएगा सारे गांव में, अपने बदल में आग लगाएगा। पंडित जी, जब तक वो भाई पंडित, भाई पुजारी, भाई मंदिर, बदल बदलो अपना, जिस काम को बना करो उसी काम को बार 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 करते रहते हो तुम। तंग कर दिया तुमने मुसलमान होके काफिरों वाली हरकत। बस 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 कीजिए। चुप रहो, खामोश रहो एकदम। क्या जवाब देंगे आप अल्लाह को? क्या जवाब देंगे आप कब्र में काफिर? बस कीजिए। दुश्मन कर दिए इस लड़के ने। देखा, इसलिए हम नहीं जाने देते हैं तुम्हें। बेटा ये सब गैर मजहब है, हम लोगों का मजहब नहीं है। ऐसा करने वालों का अल्लाह सजा देता है, क्यों नहीं समझते हो? हाँ अब मारेंगे अब, बता तुम्हें बुरा लगेगा। पंडित जी कहते कि हनुमान बन जाओ क्योंकि भोला को चोट लग गई थी। तो क्या बस तुम ही थे वहाँ पे? भोला को चोट लग गई, अब जब तुम्हें चोट लगेगी फिर देखना। चलो जानू बेटा आ जाओ, आगे से हम तुम्हें नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे बेटा जानू, जानू जानू जानू। Yeah.
खुदा मेरे खुदा। दस साठ अस्सी, दस नवानबे, दस दाह में सौ। अब्बा अब्बा सो गए क्या? नहीं जग रहे हैं। कहाँ जग रहे हैं? हम आपको पहाड़ा सुना रहे हैं और आप सो रहे हैं। थोड़ी सी आंख लग गई थी। अब आप मौलवी साहब के पास गए थे? नहीं गए ना बेटा। सिर्फ दुनिया की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, दीन की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। दुनिया फानी है, न कोई कुछ लेके आया है न लेके जाएगा। हाँ, मरने के बाद जब इंसान कब्र में जाता है ना, तो वहां फरिश्ते सवाल पूछते हैं, जवाब देना पड़ता है, वहां पर फैसला होता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करो जो मजहब को गवारा ना हो। अपना मजहब और ईमान दुरुस्त रखो, समझे? आप जाओगे ना हाफिज जी के पास कुरान पढ़ने? हाँ अब्बा जाएंगे। अपने जगह पर बैठ जाओ। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, कौन सी कहानी सुनाऊंगा? भगीरथ की गंगा साधना। गंगा जो हम सबकी माँ है। तो ठीक है, आप सब तैयार हैं? शोर मत मचाइएगा। गंगा जी पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग लोक में रहती थी, लेकिन महाराज भगीरथ ने कठोर तप किया जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वचन दे दिया। जब गंगा जी पृथ्वी पर उतरी तो आकाश में शोर हुआ, घनघोर हुआ, जैसे लाखों करोड़ों बादल एक साथ आ गए हों, लाखों करोड़ों तूफान एक साथ गरज उठे हों। उनकी गर्जना से आसमान कांपने लगा, दिशाएं थरथराने लगी, जमीन हिलने लगी और थोड़ी देर के बाद जमीन का हिलना बंद हुआ, गर्जना शांत हुई। भगीरथ की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को अपनी जटा में ले लिया और उसके बाद गंगा जी पृथ्वी पर आ गई।
जानू रुको बेटा, क्या कर रहे हो? अरे तुम हाथ धोए कि नहीं? कितनी दफा समझाया कि खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो, देखो देखो। खाना खाने के बाद हाथ धो लेंगे। ओफो, अरे लेकिन आराम से खाओ, आराम से। आराम आराम, सूरज से कह दो आराम से डूबे, शाम हो जाती है हम खेल नहीं पाते। अच्छा ये भी हमारा ही कसूर है हा? चलो, अरे अरे ठीक से तो खाओ जानू। अम्मा, क्या बोलो? दुकान में कई ठो सामान खत्म हो गए, हम जाए बनारस? तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे। अम्मा अब्बा से कहो ना हम जाए, हमको बनारस बड़ा अच्छा लगता है, एक बार बस। जिद मत करो जानू, हम अब्बा से बात करेंगे, अगर वो मान गए तो ठीक है। आज बड़ी जल्दी आ गया। मुझे बहुत देरी हो गई है, दुकान भी खोलनी है। तुम चाय बुला लो। अच्छा ले आते हैं चाय। दुकान पर सामान खत्म हो गया है क्या? हाँ सामान तो खत्म हो रहा है। सोच रहे बनारस जाने की, सामान तो बनारस से आएगा। जानू कह रहे थे कल बनारस जाने के लिए। जानू क्या जाने बनारस? जानते तो हैं, कितने दफा गए हैं आपके साथ। कह रहे थे कि जाके नूर भाई के यहाँ से सामान ले आएंगे डाल मंडी जाकर, और बस से जाएंगे और झट से सामान लेके वापस आ जाएंगे। और अपने गांव के लड़के जाते भी तो हैं आजकल। देख लेना, कुछ उस नीच हो जाए तो हमसे ना कहना। हाँ अरे नहीं नहीं, बहुत समझदार है अपना जानू, आप घबराइए नहीं। क्या बात, हफ्ते हफ्ते आ रहे हो जानू मियाँ? कुछ नहीं, आप घर जाइए, हम दुकान पर बैठेंगे। आज दुकान की बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। हाँ। क्या बात है। हम बैठेंगे तभी तो ना लिस्ट बनेगी बनारस जाने के लिए। तो बनारस जाने की बेचैनी हो रही है तुम्हें, ठीक है? हाँ। बनाओ लिस्ट बैठ के। ठीक है अब्बा, ठीक है अब्बा, हम कर लेंगे। मैं कुछ दुकानदारी भी हुई कि लिस्ट बनाते रह गए। बनी लिस्ट? हाँ। ना? आप जाओ, जाओ सब्जी वब्जी लेकर आओ। अब्बा हम कल बनारस जाएंगे ना? ला। संभाल संभाल भी जाओ। जानू जानू, सोए नहीं अभी तक?
ये लड़का भी ना, जानू हमें पता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, सुबह बनारस जो जाना है। हाँ लेकिन बेटा सोओगे नहीं तो सुबह उठोगे कैसे, चलो सो ठीक से सो। अच्छा बाबा हम सुला दे रहे हैं तुमको, ठीक है चलो सो जाओ मेरा बच्चा, चलो सो जाओ। अम्मा जल्दी करो ना। हाँ हाँ कर रहे हैं, हो गया बस। अम्मा जल्दी करो। हाँ कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अम्मा जल्दी लो। अम्मा जल्दी करो। हाँ हाँ हो गया, लो लो राजा बहादुर तैयार। चलो अब हम कुछ खाने को लाते हैं। अम्मा जाए क्या, जाए जाए बिना पैसे के चले जाओगे क्या, पैसा तो अब्बा के पास है, उनको तो आने दो। जाए जाए, कितने मुश्किल से माने हैं तुम्हारे अब्बा, ठीक से जाना और जल्दी आ जाना। डाँव डाँव घूमोगे तो फिर अब्बा हम पे गुस्सा होंगे। हाँ सारा दिन लगेगा ना। नहीं खाएंगे। अरे खाओ नहीं, नहीं खाना पड़ेगा, चलो मुंह खोलो मुंह खोलो जल्दी से। क्या बात है जानू मियां, एकदम सुबह सुबह तैयार हो गए बनारस जाने के लिए। वाह भैया वाह, जल्दी पैसे दीजिए ना। देते देते हैं। जल्दी मचाए हैं सुबह से, लगता है उड़ के चले जाओगे। ये लो तुम 300 रुपए ले लो, बाकी घर के लिए रख लेते हैं, नहीं तो तुम्हारी अम्मी हमें मारेगी। ये संभाल के। हाँ अब्बा चलो हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। जी अब्बा संभाल के जाना, चलो। बनारस बनारस ये लो। ओए बनारस, बनारस बनारस बाबू कहाँ जाना है? एक बनारस। हटो, जय गंगा मैया, जय हो मैया। अरे चौका घाट वाले चलो उतरो उतरो। वालेकुम अस्सलाम, मुबारकातहु, कैसे हो बेटा, सब खैरियत है? सब ठीक है चाचा। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा मौली साहब कैसे हैं? आए नहीं? अब्बा को कोई काम था, अब से हम आएंगे। अच्छा 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 चाचा ये रही। लाओ बेटा लाओ लाओ लाओ। अब खा लीजिए, सोच क्या रहे हैं? तुम भी बस जिद पकड़ लेती हो। हमने कितनी मर्तबा कहा कि मत भेजो मत भेजो, बस आप पता नहीं बनारस में क्या कर रहे होंगे वो। आप भी ना खाम का फिक्र कर रहे हैं जानू, अब बहुत समझदार हो गए हैं। हाँ, बहुत समझदार। हाँ, अब बच्चे हैं जिद करने लगे, हमें बनारस भेजो बनारस भेजो, तो भेज दिए बनारस। और वैसे भी सामान लेने किसी को तो जाना ही था ना, तो भेज दिए। हमारा दिल तो नहीं कर रहा है खाने को, सच में पता नहीं जानू ने खाया होगा या नहीं खाया होगा। ये ले बेटा। कितना हुआ चाचा? 270 रुपए दे दो। क्या चाचा, सब हमसे ही लेंगे क्या? बेटा मौली साहब हमारे अजीज हैं, तुम मेरे बेटे की तरह हो बेटा, तुमसे ज्यादा लेंगे। ऐसा करो तुम 260 दे दो। ठीक है, अब तो खुश हो ना। जानू नहीं आए दुकान पे? ये लो, हम तो सोचते थे घर पहुंच गए होंगे। नहीं, कहां पहुंचे हैं, ना जाने कहां अटक गए हैं। देख लो शाम हो रही है, तभी बस जिद पकड़ देती हो। उसे भेजो बनारस, देख लिया आप? हम तो वालिद नहीं दुश्मन है उसके। अल्लाह खैर करे मेरा बच्चा। अरे मौली साहब, आप नमस्कार, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस जानू दो दिन से घर नहीं आए। दो दिन से घर नहीं आए? हाँ। कहाँ चले गए फिर? पता नहीं, हम तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अरे हे राम, ऐसे कहाँ जा सकते हैं? अब्बा मना करते हैं आने के लिए, कहते हैं कि मंदिर में मत जाया। धीरे से आ जाओ, मौली साहब को बताने क्या जरूरत है, उनको पता चल जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा, लो ये घड़ी का गोला खाओ। हाँ। अच्छा पंडित जी, हम अब चलते हैं। आना धीरे से, शाम में आना, रामलीला होने वाली है ना, तुमको हनुमान बहुत पसंद है ना। हाँ। आना प्रैक्टिस करा देंगे, मेरे पास मुखौटा है, आना बड़ा मजा आएगा। आ, 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 आ। अम्मा
अब्बा कहाँ है? दुकान भी बंद है। हाफिज जी गुजर गए हैं बेटा। अरे कब? उनको मिट्टी देनी है ना, अब्बा वहीं गए हैं। अम्मा हम भी जाएं? कहाँ? हाफिज जी को मिट्टी देने। अब्बा गए हैं बेटा। अम्मा जाने दो ना। ठीक है जाओ। منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى अब्बा हाफिज जी तो जन्नत में जाएंगे ना? लेकिन कब्र में तो अंधेरा होता है। हम मर जाएंगे ना, तो हमको कब्र में मत गाड़िएगा। ऐसे नहीं होगा ना, तुम बात समझते नहीं हो। ऐसा नहीं होगा, लाओ हम बताते तुमको। देखो ये देखो ये देखो, रावण आज तुम्हारी लंका का सर्वनाश निश्चित है। तूने माता सीता को बंधक बनाने का दुस्साहस किया है, आज तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये ऐसे ही करना, समझे? बैठो बैठो, ऐसे ही करना। पता कैसे दिख रहे थे तुम? पता है इस दफा रामलीला में हनुमान तुमको ही बनाते, लेकिन तुम्हारे अब्बा बनने नहीं देंगे ना, इसलिए। सही बात है। एक बात बता, क्या? हाफिज जी मर गए। ये अपना हाफिज जी? हाँ। ये अपने हाफिज जी मर गए? हाँ हाँ। कब? आज ही देने तो गए थे उनको मिट्टी। अच्छा। उनकी लाश को कब्र में डालकर बंद कर दिया। अच्छा? बताइए, किसी को ना मरना रहे तो भी मर जाए। हाँ भाई, तुम लोगों में ऐसा ही होता है ना, अब क्या किया जाए। हम लोग तो लाश को जलाकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, पंचतत्व का शरीर पंचतत्व में मिल जाता है, मानव योनि की यात्रा समाप्त। जानू यहाँ आओ बेटा। हाँ, ये लो, आज अब्बा बिना नाश्ता किए चले गए हैं। हाँ, ये टिफिन दुकान पर दे आओ। ठीक है। रुको, लो, अच्छे से जाना। अरे जानू, अरे प्रसाद का पूरी सब्जी खा लो, आ जाओ आ जाओ। अब्बा को टिफिन देने जा रहा हूँ। अरे खा लो, चले जाना, कितनी देर लगेगी, आ जाओ आ जाओ। आओ आओ आओ, चलो बैठो, प्रसाद का पूरी सब्जी है, आओ बैठो 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 बैठो। हाँ बताओ, प्रसाद का पूरी सब्जी बनवाए हैं, एकदम गरम गरम पूरी और सब्जी। ये रही तुम्हारी थाली, ये रही पूरी गर्मा गर्म और ये सब्जी। खाओ खाओ खाओ, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, प्रसाद का पूरी सब्जी है, मजा तो आएगा ही। खाओ खाओ। ये
तुझे क्या चाहिए? चाचा, 1 रुपए का टॉफी, 2 रुपए का बिस्कुट। ला, ला ठीक से पकड़ो, जा। आओ जानू मियाँ आओ, कहाँ घूमते रहे, बड़ी देर लगा दी। क्या है इसमें? सब्जी रोटी। सब्जी गिरा दी है क्या? अंदर कुछ है भी? सब गंदा कर दिया है। ये कौन सी सब्जी है? वो कौन सी सब्जी थी? ये हाथ में क्या लगा रखा है? बोलो बोलो, कहाँ गए थे तुम? कहाँ से आ रहे हो तुम? कहाँ गए थे? मंदिर में। जानू! अरे मौली साहब, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ठीक। चचा, चचा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए ना। अब्बा कह रहे थे कि पता नहीं मौली साहब थाने क्यों नहीं जाना चाहते। जाएंगे बेटा, जाएंगे। बस आज के दिन और देख ले, फिर जाएंगे। मियाँ टोपी पहनना सीखो। बेटा नमाज पढ़ा करो और हाफिज जी के पास जाके कुरान पढ़ो।
भगवान। चचा आप आज बनारस चले जाइए, नूर चचा के यहाँ देख लीजिए और पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। रिपोर्ट लिखवाने से ना जल्दी पता चल जाएगा। अरे मौली साहब आप, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। कब से खड़े हैं? बस अभी आए। क्या बात है, परेशान दिख रहे हैं। जानू। क्या क्या हुआ जानू को? जानू 3 दिन से घर नहीं आए। हाँ 3 दिन से घर नहीं आया, कहाँ जा सकता है वो? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हम सोचे कि चलो बनारस भी देख लें। बनारस तो आए थे, सामान लिया, खुश थे, कहे खाना खाना है, हम कहे जाओ घर खा लो, दाल रोटी बनी है, कहाँ जा सकता है? आपने गांव में तलाशा अच्छे से कि नहीं? काम करा दिया रिपोर्ट। बात रिपोर्ट कराने की है थाने में। जानू बहुत छोटे हैं मौली साहब। अच्छा मौली साहब, पहले आप जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करवाइए, फिर मेरे लिए जो भी जरूरत हो आप मुझे बताइए, हम आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत घबराइए मत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जानू आ जाएंगे इंशाल्लाह, जाइए। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। मेरा बेटा खो गया है। क्या नाम है लड़के का? जानू। पूरा नाम? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। क्या उम्र है लड़के की? 12 साल। 12 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7वीं में। 7वीं में पढ़ता है। कब से गायब है? 3 दिन हो गए। मारा वाला तो नहीं था लड़के को? अरे नहीं साहब, हम क्या मारेंगे। किसी बात को लेकर परेशान था? हाँ? अम्मा कहाँ जा रही हो? आज हम अपने जानू बेटा के लिए मुर्गा लेकर आएंगे। लाओ ना, हम ला दें। आज तुम आराम करो, सारा दिन गांव भर में डांव डांव घूमते रहते हो। हाँ? हम ले आएंगे।
जल्दी आना, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता। हमारा भी नहीं लगता बेटा, ठीक है आराम करो। मां से बहुत प्यार करता था, फिर क्या हुआ?
खा लो बेटा। नहीं खाएंगे हम तो अम्मा की याद। हमको अम्मा के पास जाना है। थोड़ा सा खा लो। नहीं खाएंगे हमको अम्मा के पास जाना है। क्यों नहीं खाओगे? अम्मा ठीक है, ऐसे किसी लड़के के बारे में पता चलेगा तो हम बताएंगे। शुक्रिया साहब, लेकिन जरूर पता लगा दीजिएगा, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है मोहित साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, राजघाट पे लाश मिली है। अच्छा, डूब के मर गया बच्चा, हो सकता है उसी का बच्चा हो। अच्छा ठीक है, बुलाओ उसे। देख लीजिए मौली साहब, एक बार देख तो लीजिए। जानू, अब ये जरूरी भी नहीं कि आपके ही लड़के की लाश हो, इसलिए एक बार देख लीजिए। रुक जा बेटा, जानू चलू। जगा रहे, जागो 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 जागो। जानू जानू उठो ना, उठो 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 जानू। बेटा गंगा जी तो सबकी माँ है ना। जमीन हिलने लगी और थोड़ी देर के बाद जमीन का हिलना बंद हुआ, गर्जना शांत हुई। हम लोग तो लाश को जलाकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं।
ए, चलो साहब बुला रहे हैं। क्या काम है? अरे चलना, लाश उठानी है। साहब ये सवारी के लिए, लाश वाश हम नहीं उठाएंगे, आप तो जानते हो ना। अरे साहब बुला रहे हैं। बढ़िया है, चलना। बूढ़ा आदमी है बेचारा, उसका बच्चा मर गया है। कमाल है। लगाएगा सारे गांव में। अम्मा को कब्र में मत गाड़ो, अब्बा इतने अंधेरे में कैसे रहेंगे। अब्बा हम मर जाएंगे ना, तो हमको कब्र में मत गाड़िएगा।
बेटा बस यहीं रोक दो, हम आपको छोड़ देते हैं। बस बेटा हम चले जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संभालो अपने जानू को, आप तो संभाल ना पाए। आप तो नहीं संभाल पाए जानू की अम्मी, तुम संभालो। Ha 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 ha.
जानू Thank you.